हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, गीता का फ्लावर यानी गीता का फूल। यहाँ पे ड्रॉ योर फेवरेट फ्लावर हियर, यहाँ पे आप लोग को अपने पसंद की एक फूल बनानी है और यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है और कलर कर लीजिएगा। नेम एनी 5 कलर्स योर नो, जो आप 5 कलर जानते हैं उनको अपनी कॉपी पे नोटबुक पर लिख लीजिएगा चैप्टर देकर। आते हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओ ओ गीता जंप विथ जॉय, ओ कर कर गीता जो है खुशी से उछल पड़ी। ए फ्लावर ओ हाउ लवली, यानी एक फ्लावर को देखकर गीता जो है क्या हो जाती है, एक फूल को देखकर कि कितना प्यारा फूल लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। सी क्लैप्स हर हैंड्स एंड शुक, वो अपने हाथों से ताली को बजाती है। कम कम एंड सी हेयर, आओ आओ, यानी किसको बुलाती है, अपने भाई को, कि आओ आओ यहाँ देखो। कुमार हर ब्रदर कम रनिंग, कुमार जो है किसका भाई है, गीता का भाई है, वो यानी दौड़ता हुआ आता है, किसके पास आता है, गीता के पास आता है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। गीता स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर, गीता जो है मुस्कुराते हुए कानों में कानों सटा कर कहती है, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। व्हाई, क्यों, कुमार ने कहा। कुमार वांट्स टू नो, क्यों तुम खुश हो, बताओ मुझे, पूछेगा ना, कोई भी बहुत खुश होगा तो उससे पूछेगा ना, क्यों, कुमार जानना चाहता है क्यों क्यों तुम खुश हो। उसके बाद क्या होता है, लुक एट माई प्लांट्स, मेरे प्लांट्स को देखो, मेरे पौधे को देखो। आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन पौधे को पानी देती दिया करती थी। नाउ इट हैज ग्रो सो टॉल, अब यह इतना लंबा हो गया है। इट हैज लवली बिग रेड फ्लावर टू, यानी आज जो है ये एक लाल सा फूल अभी दिया है, यानी आज दिया है, टुडे दिख रहा है ना, टुडे इट हैज अ लवली बिग रेड फ्लावर टू, अभी ये एक आज में, यानी आज में ये एक अच्छा सा फ्लावर को दिया है। आई लव माई प्लांट्स एंड द फ्लावर, मैं अपने पौधे और फूल को बहुत प्यार करती हूँ। गीता से हैप्पी, गीता ने प्यार से कहती है, खुशी से कहती है कि मैं अपने पौधे को और फ्लावर को बहुत प्यार करती हूँ। तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी अपने घरों में पेड़ लगाए होंगे, पौधे लगाए होंगे, तो उससे आप लोग को लगा होगा, तो उसमें पौधे में पानी गीता की तरह आप भी डाला कीजिए। ओके, और इसको, इस चैप्टर को आप लोग एक बार दो बार घर पे रीड जरूर कीजिएगा। रीड करने से क्या होगा, आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा, थोड़ा बहुत स्टोरी समझ में आ जाएगी, और अगले बार नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।